नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नरेश राठौड़, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राठौड़ चैन ऑफ क्लिनिक्स एंड इन्विक्टस साइंटिफिक्स। डॉक्टर राठौड़ क्लिनिक के इनॉग्रेशन के मौके पर आज हमने एक हेल्थ कैंप रखा और काफ़ी सारे लोग आए हैं आसपास के जगहों से और काफ़ी दूर से भी आए हैं। रजिस्ट्रेशंस अभी तक ऑलमोस्ट 175 पेशेंट प्लस हो गए हैं और जितना तक मैंने अभी पेशेंट देखा है उसमें काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स हमने देखा, काफ़ी सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स देखा है, एनीमिक पेशेंट्स देखा है, काफ़ी सारे वीकनेस, ज़्यादातर लोगों को वीकनेस ज़्यादा है, जोड़ों में वीकनेस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट, कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट भी हमने देखे हैं अभी तक। वीकनेस ज़्यादातर फीमेल्स में, हालांकि मेल्स में भी काफ़ी है। लो बैक पेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा आई है जहां तक हमने देखा है। सैंपल्स कलेक्ट किया है सभी जगह से, एसएन डायग्नोस्टिक ने आया, श्रीनिवासा डायग्नोस्टिक, संजीवनी डायग्नोस्टिक्स से काफ़ी सारे लोग आए हैं, साई डायग्नोस्टिक से आए हैं, SLV फार्मा, SK फार्मेसी एंड काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वॉलेंटियर्स भी है, डॉक्टर गीता राठौड़ वो रजिस्ट्रेशन करके बेसिक चेकअप, रेशमा जो हमारे नर्स है और काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स, यूनिकेयर डायग्नोस्टिक से आए हैं मिस्टर मिर्ज़ा बेग, ऐसे काफ़ी सारे लोग आए हैं कैंप को एक मुकम्मल तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग डायग्नोस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को, फ्री ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, मेडिसिन फ्री दिया गया है SLV फार्मा की तरफ से, एरिस्टो फार्मा जो आगे आया है फ्री मेडिसिन सप्लाई देने के लिए, काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बट बात यह है कि आई एम द ओनली वन डॉक्टर राइट नाउ, तो सिंगल हैंडेड मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, सारे पेशेंट्स को देखना पड़ रहा है। बट खुशी हो रही है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम इतने सारे पेशेंट्स एक साथ इकट्ठे देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में काफ़ी सारे लोग आगे आए सोशल सर्विस के लिए, हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही कुछ बेहतरीन कैंप्स करते रहे पब्लिक सर्विस के लिए। और पोस्ट कोविड जो हमने एक स्पेसिफिकली चीज़ें देखी है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है लोगों में, तो हर लोगों को जोड़ों में दर्द, स्पेशली घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस जो हम देखते हैं कुछ साइंस कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस काफ़ी है, कॉमन है आजकल यंगस्टर्स में भी, बिकॉज जो पोजीशन है उनका पढ़ने का या काम करने का तरीका, आजकल मोबाइल के सामने काफ़ी लोग बैठे होते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, तो जो अलाइनमेंट होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा की वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, उसके वजह से नस जो है दब जाते हैं, फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाती है, मॉर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा सारे आवाम से कि अपना पोस्चर उसके ऊपर खास ध्यान रखें, जब आप काम करते हो ब्रेक लेते रहिएगा, कुछ मसाज या फिजियोथेरेपी भी किया कीजिएगा और कुछ नेक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट्स को बता रहे हैं वो भी किया करते रहिएगा, ताकि आपका हेल्थ बना रहे और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस से आप बचे। यही चीज़ जो लो बैक पेन है, क्रॉनिक लो बैक पेन, वो पेशेंट के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो वीकनेस है, काफ़ी सारे महिलाओं में और पुरुषों में भी हमने देखा है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के वजह से भी ये वीकनेस हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से बोन वीकनेस ज़्यादातर, तो हम मुफ्त में जो कैल्शियम और विटामिन D3 के कॉम्बिनेशंस है पेशेंट्स को दे रहे हैं, विटामिन मल्टी विटामिन्स भी हम दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी पाया गया है लोगों में, बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस है, इवन नॉन वेजिटेरियंस है, उनमें कॉम्प्लेक्स विटामिन डेफिशिएंसी कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हमने काफ़ी सारे मेडिसिंस, अलग अलग पेन किलर्स, हालांकि हमने कॉशन दिया है कि पेन किलर्स को हर रोज़ मत खाइएगा, जब दर्द ज़्यादा हो तभी खाइएगा, बिकॉज इसके इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म हार्ट पे किडनी पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एक कंप्लीट चेकअप हो रहा है सभी लोगों का और हम हर एक पेशेंट के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि कैंप है तो बस एक मिनट में डायग्नोसिस करो और मेडिसिंस देके उनको भेज दे रहे, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव वो था कि हम कंप्लीट स्क्रीनिंग करें,
चाहे थोड़े पेशेंट्स देखे लेकिन उनको कंप्लीट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फॉलो अप भी मिले, ताकि वो फॉलो अप के लिए हमारे पास है और फ्यूचर ट्रीटमेंट भी कराते रहिएगा। तो कैंप काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे लोग जुड़े और हम बड़े पैमाने पे कैंप करें। जो बड़े हॉस्पिटल्स है आसपास, डॉक्टर्स है, वॉलेंटियर बेसिस पे आगे आइए, हमसे जुड़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा कैंप होगा पेरिफेरी में, तो पेरिफेरी में भी हमें कैंप्स करेंगे और लोगों में डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे और उसके सिम्टम्स देखेंगे, डायबिटीज़ भी हम देखेंगे। हालांकि डायबिटीज़ का अभी कंप्लीट ट्रीटमेंट चलेगा, इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं डायग्नोस्टिक्स वाले का, कुछ इन्वेस्टिगेशन फ्री, कुछ 70% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। कंसल्टेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ से सभी पूरे आवाम के लिए, तो हम ये कर रहे हैं। आगे देखते हैं और काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन आएंगे, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं आसपास से, तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल कैंप होगा और आगे की जानकारी हम बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।